लड्डू गोपाल जी, एक नीतू भाभी ने दिए मुझे, बहुत बड़े बहुत सुंदर। तो गाइस, ये बारात चढ़ाने के लिए मैंने लिए काफी सारे सेहरे, शहरा इनको बोलते हैं। ये देखो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सुबह सुबह यहाँ मैं मिक्स वेजिटेबल जूस डेली पीता हूँ जिम करने के बाद। ये बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा, बीमारियाँ भी नहीं होती कुछ भी। तो गाइस, मैं जिम करके आ गया हूँ, अब मिलते हैं चलो मम्मी से। मेरे बाल देखो कितने गंदे हो रहे हैं। लूना मेरे से मिलने आ जाती है, आंटी से लेके जा रही हैं। ये लूना, ये देखो लूना का मम्मी। जाओ लूना अपने घर जाओ, बाय, बाद में मिलते हैं, ओके। ले जाओ आंटी से पकड़ के, लूना की मम्मी आई है लूना को लेने। और गाइस गुड मॉर्निंग, देखो मम्मी कर रही हैं दो दो लड्डू गोपाल जी की पूजा। ये देखो दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। मम्मी कैसा लग रहा है आपको? मुझे कान्हा जी की पूजा करना अच्छा लगता है बहुत। सेवा करती हो आप हैं, बहुत अच्छा लगा है मुझे भगवान। और ये भाभी ने गिफ्ट करे हैं मुझे, देखो कितने प्यारे हैं। और ये झूला भी झूले के साथ में। भाभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा है मुझे। अब ये दोनों भाई भाई हो गए ना मम्मी, इनका मन लगेगा आपस में, एक बड़े एक छोटे। हाँ अच्छा लगा है मुझे बहुत अच्छा। वहाँ पे बैठते हैं मंदिर में, है ना मम्मी? इनका मुझे बैड और लेके आना पड़ेगा, देखो बहुत ही सुंदर है। ठीक है ले आइयो, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लड्डू गोपाल दिए नीतू ने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दो भाई होगा, एक छोटा एक बड़ा। हाँ ये दोनों ना, हाँ ये देखो बहुत प्यारे लग रहे हैं मम्मी, ये दोनों ना बहुत सुंदर। मम्मी पहले तुम एक की सेवा करें, अब दो दो हो गए। हाँ दो दो सेवा कर लूंगी, दस भी हो उनकी भी सेवा कर लूंगी मैं तो। बहुत हार्ड वर्क करती हूँ इसका मतलब। बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगा। अब इनमें लगी रहना पूरे टाइम, ठीक है? मैं तो खूब सेवा करूंगी, पूरे टाइम लगी रहना अब इनमें, ठीक? सेवा करूंगी मैं तो। चलो ठीक है, तो गाइस घर में हो गए दो दो लड्डू गोपाल जी, एक नीतू भाभी ने दिए मुझे, बहुत बड़े बहुत सुंदर। उनकी सेवा करेंगी मम्मी, मैंने मम्मी के लिए ले आया क्योंकि मम्मी एक एक रखती हैं, अब दो दो भाई हो गए, उनका आपस में भी मन लग जाएगा और मुझे तो बहुत खुशी हुई। थैंक यू भाभी। और क्या बनाया मम्मी तुमने, क्या बनाया? और तेरी चायदान में आलू गाजर। चुप चुप, बना के इसमें क्यों कर दिए बना के? और ये क्या बनाया? चटनी, टमाटर की चटनी है ये। वाओ नाइस, ला मुझे दूध दे दो जल्दी से, गुड़ से, ठीक है? ठीक, ला रही हूँ। इधर देखो, शाम को क्या बनाओगी? शाम को आलू गोभी। आलू गोभी, आलू गोभी मटर। चलो ठीक है, आलू मटर तो मैंने बनते हुए देखा, आलू गोभी मटर कौन बनाता मम्मी? बनाते हैं, मिक्स करके बनाओ सब्जी, बहुत अच्छी लगे। चलो देखते हैं शाम को। और गाइस यहाँ पर लगा रही थी मम्मी कान्हा जी को भोग, क्योंकि मम्मी सुबह इनको नहला के सबसे पहले भोग लगाती हैं, देन उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा। और गाइस मुझे आया मॉर्निंग में सुबह सुबह फ़ोन भाभी का, उन्होंने बोला मेरे को डीजे ढोल या बग्गी, मतलब क्या बोलते हैं बैंड वाज, जो भी है जल्दी से बुक कर दे क्योंकि सैंडी की शादी है, हमें चाहिए, होटल वगैरह सब बुक हो गया था। तो मैंने जल्दी से सुबह सुबह करा ढोल वाला बुक और फिर मैं निकल गया अपने काम पर। और मम्मी बना रही है मेरे लिए रोटी, मैं जा रहा हूँ फिर शादी में। मम्मी आज बारात चढ़ेगी। सही है, जाओ। क्या बना रही हो आप? आलू गाजर की सब्जी। दिखाओ चलो, टमाटर की चटनी, बहुत टाइम बाद। अरे वो तो मैंने दिखा दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, डन डन डन। तो गाइस मैं और मम्मी कर रहे हैं मैच, मम्मी ने भी ग्रीन और मैंने भी ग्रीन। मम्मी दिखाओ तुमने क्या बना है। दोनों का सेम सेम, खाना खा ले तो जल्दी, ऐसे करो। आलू गाजर की सब्जी और चटनी और रोटी, ये है मेरा खाना। तो गाइस ये बारात चढ़ाने के लिए मैंने लिए काफी सारे सेहरे, शहरा इनको बोलते हैं। ये देखो, तो अभी यहाँ से उतरवा रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी उतार दे भाई, अब मैं लगा लगा के भी देख लूँ। ये देखो गाइस, तो गाइस मुझे तो निकलना था अपने काम पर, बट लेकिन मैं ये देता हुआ निकला क्योंकि भाभी को ये बहुत इम्पोर्टेंट था, तो मैंने ये सारे लिए फिर निकल गया सीधा इनको देने के। है बारात चढ़ने का, तो सैंडी आज दूल्हा बनेगा, तो देखते हैं कैसी बारात चढ़ती है उसकी। और क्या नाम है उनका, चंपो। खत्म, बाय बाय।
टाटा। तो गाइज ये सारा सामान देने के बाद मैं निकल गया था सीधा अपने शूट के लिए, और फिर शूट से लौटा मैं रात में, और देखो कितनी रात में मैं जगत फार्म से होते हुए जा रहा था अपने घर। मुझे लग रही थी बहुत तेज भूख, मैंने सोचा मम्मी को क्या तंग करना, रास्ते में से कुछ खाते हुए निकल जाऊंगा, बट यहाँ पर मेरी किस्मत खराब थी, जगत फार्म मार्केट हो गया था बंद क्योंकि बहुत लेट हो गया मैं आने में। फिर मैंने घर गया, घर जाकर मम्मी से कुछ नहीं बोला, दूध पीकर सो गया।